गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5 और आज है मेरी योगा क्लासेस, तो मैं उसके लिए रेडी होती हूँ। मैं अपने शूज़ पहनती हूँ। योगा के बाद हम वॉक पे भी जाते हैं, तो इसलिए शूज़ में आप अच्छे से वॉक कर पाते हो। तो शूज़ पहनने के बाद मैं लेती हूँ अपना योगा मैट। योगा मैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अच्छे से अपना योगा कर सकते हो। जब मैं अपनी योगा क्लासेस जहाँ पे हमारी होती है वहाँ पहुँची, तो उस टाइम कोई नहीं आया था। फिर धीरे धीरे आना सारे शुरू होते हैं। उसके बाद हम करते हैं सूर्य नमस्कार। ये अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपनी सारी योगा करते हैं। कपाल भाती, यहाँ पे हम अपना पूरा प्राणायाम करते हैं जो 10-15 मिनट का होता है। और जब हमारा योगा खत्म हो जाता है तो हम ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हैं और ओम का, और उसके साथ हमारा योगा खत्म हो जाता है। योगा खत्म होने के बाद हम निकलते हैं वॉक पे। हम सोसाइटी का 2 चक्कर लगाते हैं। मैंने अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रही हूँ। एक अच्छा वार्म अप हो जाता है। ये हमारी सोसाइटी है। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के काफ़ी फ्रेशनेस फील होती है। और ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है। योगा से वापस आके मैं लेती हूँ। योगा से घर वापस आने के बाद मैं गर्म पानी लेती हूँ। पहले मैं गर्म पानी में हनी और नींबू लेती हूँ। अभी मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है। मैं 30 ml आंवला, 30 ml एलोवेरा और 30 ml आंवला जूस एक साथ मिक्स करके लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैं दिखाती हूँ मैं इसे कैसे लेती हूँ। आप 30 ml, मेरे को वो एक मेजरमेंट दिमाग में आ गया है, तो मैं बिना वो नापे भी डाल सकती हूँ 30 ml। जब भी आप इसे लें आप इसे अच्छे से शेक करें, उसके बाद ही आप ग्लास में डालें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पानी में सुबह सुबह इसमें गर्म करके रख देती हूँ। तो मैं लूँगी गर्म पानी। और आप हम ध्यान रखें, जब भी आप पानी पीते हैं आप लगा मतलब एकदम से पानी नहीं पिए कि पूरा पानी एक साथ ख़त्म कर दें। आप सिप सिप करके पानी पिए, उससे आप ज़्यादा पानी पियेंगे। और दिन में कम से कम आप 3 ग्लास पानी पिए। इसको मैं सुबह लेती हूँ 6 बजे। उसके बाद मैं लेती हूँ अंजीर। सुबह सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीना चाहिए। अंजीर मैं लेती हूँ 9 बजे के आसपास। इसको खा ले, इससे आपको अगर आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, उससे छुटकारा मिलेगा। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सोर्स ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अंजीर बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप रात में 2 ओवरनाइट वो अंजीर सोक करें और सुबह के बाद जल्दी जल्दी में नाश्ता बनाती हूँ और मम्मा को दिखाती हूँ मीताक्षी को स्कूल छोड़ने। और मैं उसको बेसमेंट से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं वो कभी ऊपर से लेके जाती हूँ तो फिर वो स्कूल की मतलब स्कूल नहीं, पार्क जाने के लिए रोती है।